भाई लोग कैसे हो। सो गाइस, इस वाली वीडियो में हम लोग आपको सिखाने वाले प्रणव भाई का न्यू कंसेप्ट फोटो एडिटिंग, और बहुत ही ऑसम सी कॉन्सेप्ट है। सो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं आईज को कैसे कलर करें और आईज को कैसे क्रिएट करें। सो गाइस, सिंपली हम लोग इस वाली वीडियो में सीखने वाले हैं बहुत ही आसानी से। सो गाइस, आप देख सकते हो ये एक रियलिस्टिक शैडो है जो फोटो क्लिक करते वक्त आया है, और इस वाली शैडो को हम लोग एडिटिंग के जरिए कैसे क्रिएट करते हैं बिल्कुल परफेक्ट। सो गाइस, इस वाली शैडो को हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आप जानना चाहते हो तो गाइस वीडियो को कर दीजिए जल्दी से लाइक, और आप देख सकते हो रियल फोटो में कुछ इस तरीके से शैडो है। और गाइस, अगर आप चैनल पे बिल्कुल ही नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर दीजिए। सो गाइस, ये वाला बैकग्राउंड आप लोग को मैंने दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, और ये HD क्वालिटी में बैकग्राउंड है, आप सब जाके डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, आप रियल फोटो में बैकग्राउंड को इरेज कर देना, बैकग्राउंड इरेज करना अगर आपको नहीं आता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है बैकग्राउंड इरेजर कैसे इरेज करते हैं, वो भी HD क्वालिटी में आप सब जाके देख सकते हो। सो गाइस, सिंपली हम लोग इस वाली जो अगर आप आपके हाथ में कुछ भी पकड़ कर आप पोज दे सकते हो, और बाद में आप लोग को इसे इरेज कर दीजिएगा, और कुछ इसी तरीके से और कुछ भी आप लोग हाथ में पकड़ कर पोज क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो गाइस, हम लोग शैडो में जाएंगे। इस वाली रियलिस्टिक शैडो क्रिएट करने के लिए ब्लर ऑप्शन को आप लोग कम कर दे रहे हैं। ब्लर ऑप्शन को आप लोग को 3% या 6% रखना है। और इस वाले जो वर्टिकल लिखा हुआ है, वर्टिकल को हम लोग क्या करेंगे और कुछ इस तरीके से हम लोग सेम टू सेम रख लेंगे। यही सेटिंग गाइज आप लोग को करना है, वर्टिकल को कम कर देना है, और कुछ इसी तरीके से हम लोग सेटिंग करेंगे तो आप लोगों की फोटो जो है परफेक्ट है, उसी तरीके से जो रियलिस्टिक शैडो है वो क्रिएट हो जाएगी। सो गाइज, सिंपली हम लोग जाएंगे इस वाले PNG को हम लोग सेट करेंगे। सो गाइज, सिंपली इस वाले PNG को सेट करना बहुत ही आसान है। सो गाइज, सिंपली हम लोग इस वाले PNG को आर्ट फोटो में जाकर ले आएंगे, और उसके बाद हम लोग हैंड में सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम लोग इरेजर और हम लोग कैपेसिटी ऑप्शन को कम करेंगे, क्योंकि हमें बैकग्राउंड दिखना चाहिए, हमें जो इरेज कर रहे हैं परफेक्ट इरेज हो जाएंगे। सो गाइस, सिंपली हम लोग इरेजर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हार्डनेस को फुल कर देंगे, और उसके बाद हम लोग इसी तरीके से हम लोग इरेज कर लेंगे, और बहुत ही आसान तरीके से आप लोग बैकग्राउंड को देख कर हैंड की पोजीशन को देखकर हम लोग इरेज कर लेंगे, और हम लोग कैपेसिटी को फुल कर लेंगे। जैसे ही फुल कर लेंगे तो आप लोग फोटो की जो पहली वाली जो फोटो है आप लोग की आ जाएगी, बहुत ही ऑसम तरीके से क्रिएट हो जाएगी। और गाइस, ये कि क्रिएटिव फोटो एडिटिंग है बहुत ही ऑसम तरीके से लगने वाली है। सो गाइस, हम लोग फेस को स्मूथ करेंगे, इसलिए हम लोग फेस फिक्स को लेंगे, और यहाँ से फेस फिक्स को लेने के बाद इस तरीके से आप लोग को ब्रश क्रिएट करना है। जैसे ही आप लोग ब्रश क्रिएट कर लेंगे आप लोग की फेस स्मूथ हो जाएगी। सो गाइस, आप लोग बिफोर आफ्टर करके देख सकते हो, और यहाँ से जो भी एरिया मुझे स्मूथ करना है मैं उसे ब्रश मार लेता हूँ, और आप देख सकते हो बिफोर आफ्टर के बहुत ही शानदार तरीके से हमारी फेस जो है स्मूथ हो चुके हैं। सो गाइस, सिंपली इस तरीके से करने के बाद आप लोग को डन कर देना है फोटो को, और हम लोग को एक आर्ट फोटो में जाना है, एक आइस PNG को लेकर आ जाना है। सो गाइस, आइस PNG आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाए करेंगे, ये PNG को हम लोग परफेक्टली सेट करेंगे। सो गाइस, सिंपली हम लोग आइस के पास ले जाएंगे और इसकी कैपेसिटी को कम कर देंगे। ओके, तो कैपेसिटी को कम कर देंगे तो आप लोग की परफेक्ट सेट हो जाएगी, परफेक्ट आइस को हम लोग इरेज कर लेंगे। कुछ इसी तरीके से हमारे जो है आइस जिस तरीके से हैं हम लोग उसी तरीके से इरेज कर लेंगे। इरेज करने के बाद हम लोग एडजस्ट करेंगे कैपेसिटी ऑप्शन को सेट करके, हमारे आइस जो है परफेक्ट आइस बन चुके हैं। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग की आइस जो बन चुके हैं। सो आप लोग भी इस तरीके से आइस क्रिएट कर सकते हो। और गाइस, यहाँ से हम लोग डुप्लीकेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे, और नेक्स्ट जो दूसरा जो आइस है उसके ऊपर हम लोग रख लेंगे। सो गाइस, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, डुप्लीकेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डुप्लीकेट कर लेंगे, और उसके बाद डुप्लीकेट करने के बाद दूसरा जो हमारा आइस है उस आइस पर हम लोग कुछ इसी तरीके से रख लेंगे, और नेक्स्ट आइस जो है हमारे ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाए और बहुत ही ऑसम सी लगे। सो गाइस, इस तरीके से हम लोग करने के बाद फोटो को कर लेंगे, यहाँ से पिक्चर्ट एप्लीकेशन में सेव कर लेंगे, और आप लोग की आइज जो कलर ग्रेडिंग बहुत ही शानदार तरीके से हो चुका है गाइस। और आप लोग देखें, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ तभी आप लोग को परफेक्ट आइज लगेंगे। और यहाँ से मैंने एडजस्ट करने के बाद डन कर लेता हूँ फोटो को, और हमारे फोटो यहाँ से कंप्लीट होने के बाद सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस वाली फ़ोटो को सेव कर लेंगे, और हम लोग जाएंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में गाइस। लाइटरूम एप्लीकेशन में हम लोग फेस को कलर ग्रेडिंग करेंगे और फोटो को बैकग्राउंड से मैच कराएंगे, और बहुत ही शानदार से लुक देंगे। सो गाइस, सिंपली हम लोग लाइटरूम में आने के बाद लाइट्स को हम लोग ऑन करेंगे। सो गाइस, आप लोग को लाइट्स को, आप लोग को एक्सपोजर को,
यहाँ से हल्का सा कम कर देना है, कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा इंक्रीज कर देना है, और यहाँ से आप लोग को हाईलाइट्स को हल्का सा इंक्रीज, और यहाँ से आपको सैचुरेशन को इंक्रीज कर देना है हल्का सा 10% तक, और सभी को हल्का हल्का सा इंक्रीज डिक्रीज करके आप लोग को एडजस्ट करना है। ओके, सो मैंने ब्लास्ट को हल्का सा कम कर दिया। उसके बाद हम लोग मिक्स ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ से ग्रीन कलर के सैचुरेशन को इंक्रीज कर देंगे, और हमारे जो फोटो में ग्रीन होंगे वो कलर से हमें इंक्रीज कर देना है। और उसके बाद येलो कलर को इंक्रीज करके, और उसके बाद आप लोग को सेकंड वाले कलर के लुमिनस को इंक्रीज कर देना है, आपकी फेस जो है ग्लो करने लगेगा। और उसके बाद आप लोग को फोटो को यहाँ से डन करना है। उसके बाद टेक्सचर ऑप्शन को आप लोग को सिलेक्ट करके 37% रखना है, क्लैरिटी को 14% रखना है। और उसके बाद आप लोग की जो विंटेज है, विंटेज ऑप्शन को आप लोग को कम कर देना है, और आप लोग की देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से एडिटिंग हो चुका है। उसके बाद हम लोग जाके सिलेक्टिव में और सर्कल वाले सिलेक्टिव को सिलेक्ट करेंगे। सो गाइस, सिलेक्टिव के सर्कल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम लोग फेस पर रखेंगे, और फेस पर रखने के बाद सो गाइस सिंपली हम लोग एक्सपोजर को इंक्रीज करेंगे 0.42% तक। और उसके बाद हम लोग यहाँ से ये वाले जो सैचुरेशन है इसको कम कर देंगे, और शैडोज को कम करेंगे, और इसके बाद और गाइस सिंपली हम लोग यहाँ से जो कलर से हैं टेक्सचर को हम लोग फेस की टेक्सचर को ऑन करेंगे, और क्लैरिटी को हल्का सा आप ऑन कर सकते हो, और शार्पन ऑप्शन को जरूर से जरूर ऑन कर लीजिएगा। और आप लोग की ये वाली एडिटिंग परफेक्ट हो चुका है गाइस, आप बिफोर आफ्टर करके देख सकते हो, बहुत ही ऑसम तरीके से लाइट रूम से हम लोग एडिटिंग कर चुके हैं। और गाइस ये वाली वीडियो आप लोग कैसे लगी जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर दीजिए। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।